तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे जी हाँ सीआरपीएफ ट्रेड में। जी हाँ, सीआरपीएफ ट्रेड में बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर फिजिकल रोड पे होगी या ग्राउंड में होगी, और जब भी हम लॉगिंग कर रहे हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस आ रहा है, आखिर ये माजरा क्या है? तो चलिए इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो फिजिकल होने वाला है, आपको पता है 10 तारीख से आपका फिजिकल शुरू हो गया है, और जिनका भी फिजिकल है सारे फिट है, तैयार है और उनका फिजिकल होने वाला है। तो अब बात करेंगे आपका रोड पे होगा या ग्राउंड में होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो फिजिकल होने वाला है दो स्टेप में होने वाला है। एक तो 1600 मीटर का आपका फिजिकल होने वाला है और दूसरा आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है। तो अलग अलग ट्रेड का अलग अलग आपका फिजिकल होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो 5 किलोमीटर का रनिंग होगा वो कहाँ होगा। देखिए 5 किलोमीटर का रनिंग के लिए अलग अलग जहां भी आपके सेंटर दिए गएंगे उसके ग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आपका वहां का ग्राउंड कैसा है। अगर उसके पास अवेलेबल है ग्राउंड तो आपको ग्राउंड में ही कराए जाएंगे। अगर उसके पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं होगा, कच्ची होगी क्योंकि बारिश हो रहा है, अगर बारिश के कारण पानी वगैरह लग गया होगा, तो आपके फिजिकल रोड पे कराए जाएंगे। तो 5 किलोमीटर में या तो आपके 5 किलोमीटर स्टेट में होगा या आपको 2.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा या 2.5 किलोमीटर आना पड़ेगा। और जिनके पास अगर रोड है तो वो क्या करेंगे, आपके ग्राउंड में ही आपके 5 किलोमीटर का रनिंग कराए जाएंगे। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोगों ने अपना फिजिकल तैयारी कर रखे हैं तो आपका फिजिकल हो जाएगा, सब कोई फिजिकल पास कर जाएगा। बस आपको हौसला रखना है कि हमें 5 किलोमीटर का रनिंग कैसे भी कंप्लीट कर लेना है। दिक्कत वहां आती है जब हम 5 किलोमीटर का रनिंग करते हैं, अगर रोड हेड पे करते हैं तो जब बच्चे आगे ज्यादा निकल जाते हैं हमसे, तो थोड़ी सी हमें परेशानी होती है कि बहुत से आगे हमसे बच्चे निकल गए, हम कहीं छट ना जाए। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वहीं से निराश हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है और वो रनिंग करना बंद कर देते हैं या रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। हर ग्राउंड में आप रनिंग करते हैं तो आपको अपना टाइम, आपको पता है कि मैं किस स्टेप पे दौड़ता हूं तो मेरे 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो जाते हैं। और गोल राउंड में जब होता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे क्या है कि एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं, लेकिन आपको वहां क्या है 12 चक्कर 12.5 चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं। तो एक दूसरे को बच्चे जब क्रॉस करते हैं तो ये रहता है कि यार मैं पीछे भी नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं आगे ही चल रहा हूँ, तो बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप बात करते हैं आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस का, बार बार जो कमेंट आ रहे थे बता देता हूँ। तो देखिए आप जब लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड हो गया तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हो रहा है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपका पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो रीजन ये है कि जब भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जब आया था बीच में चेंजिंग के लिए, तो अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस किया होगा तो ऑप्शन आ रहा है, और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपने किया होगा तो उस पर क्लिक कीजिएगा, तो जिस भी पोस्ट प्रेफरेंस आपने किया होगा उसका आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और जिनका नहीं चेंज हुआ होगा, जब एडमिट कार्ड अगर आपका डाउनलोड हो गया है और एडमिट कार्ड के पे जो भी आपके पोस्ट मेंशन किए गए हैं, चाहे आपके सफाई कर्मचारी, चाहे बिगलर हो, चाहे कुक हो, चाहे बार्बर हो, चाहे वाशरमैन हो, आप उसी ट्रेड के आप टेस्ट देंगे। तो जो भी आपकी जानकारी थी हमने दे दिया है, 10 तारीख से आपके शुरू होने वाला है, अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है। नेक्स्ट है कि आपके टेस्ट में क्या क्या होने वाले हैं और कितने समय लगने वाले हैं, तो ऑलरेडी हमने वीडियो में आपको बता दिया है कि आप जब भी अपने फिजिकल के लिए जाएंगे तो आप कम से कम 3 से 4 दिन का समय अपने पास लेके जाएंगे, और इस हिसाब से आप अपना व्यवस्था लेके जाएंगे, यानी कुछ पैसे हो गए, कुछ कपड़े हो गए, क्योंकि हो सकता है कि आपके फिजिकल होने के बाद नेक्स्ट दिन आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाए, डीबी करा दिया जाए, मेडिकल भी करा दिया जाए, 2 से 3 दिन भी आपके लग सकते हैं, या हो सकता है आपको 1 सप्ताह का समय भी दिया जा सकता है, क्योंकि 1 महीने की प्रक्रियाएं ये चलेंगी, तो 1 महीने के अंदर आपके सारे प्रक्रियाएं कंप्लीट करा लेने हैं। तो हो सकता है विभाग आपको कंटिन्यू करा ले, एक आज फिजिकल करा लिया, कल आपका ट्रेड टेस्ट डीबी, और दूसरे दिन हो सकता है मेडिकल वगैरह करा ले, रीमेडिकल वगैरह करा ले। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट है आप सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, हालांकि आपके एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं कि आप बहुत से बच्चे के है कि सर टेस्ट कैसे होता है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूँ, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे है तो आप वहां जाके किस प्रकार से टेस्ट देंगे उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा, और लाइक भी कर दे, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को जरूर प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।